मध्य प्रदेश गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा दतिया के ग्राम हिडौरा पहुंचे। यहां उन्होंने किसानों की समस्याओं को जाना और उन्हें हल करने का आश्वासन भी दिया। गृह मंत्री का ग्रामीणों ने भगवान परशुराम का चित्र देकर और फूल मालाओं से स्वागत किया। 3 दिवसीय दौरे के दौरान डॉक्टर मिश्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी में ये फर्क है कि कांग्रेस जो कहती है वो कभी करती नहीं, लेकिन भाजपा जो कहती है उसे हर हाल में पूरा करती है। के लोगों ने कहा कि चुनाव में 10 दिन के अंदर 2 लाख तक का कर्जा माफ कर देंगे। यही कही थी ना चुनाव पे 2 साल पहले। आपने हमें हरा दिया, उन्हें जिता दिया, कोई बात नहीं। हमने भी सोची गरीब के आपात में काम चलाने को 2-2 लाख आ जाएगा, बेचारे का क्या बुरा है। अच्छा आप बताओ कौन कौन के खाते में 2-2 लाख आ रहे हैं? एक हाथ के में तो आए होंगे। अच्छा 1.5 लाख पे मान जाओ, 1 लाख पे 50,000 एक, 25,000 दो। आप बताओ, ये झूठ होता है। ये चाहते हैं कि हम भी राजनीति में ऐसे झूठ हो। धूल के शराब का जो कण है ना, उसका कर्जा भी मैं हिंदुस्तान के लिए चुका। विधानसभा के लोगों को, हिरोरा गांव के लोगों के कारण से मैं पूरी कोशिश करता हूं कि मैं जहां भी रहूं, मेरे क्षेत्र का आदमी मध्य प्रदेश में कहीं चला जाए और जब नरोत्तम मिश्रा का नाम आए तो उसका सर सर्व से नहीं झुके, उसका माथा गर्व से ऊंचा हो जाए मेरे नाम आए। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपका बेटा हूं, आपके क्षेत्र का हूं, तो दतिया के नाम को मध्य प्रदेश में दतिया के झंडे को लहराऊं, दतिया का नाम ऊंचा। मेरे क्षेत्र का एक आदमी मध्य प्रदेश भर में इंदौर चला जाए, उज्जैन चला जाए, खंडवा, बुरहानपुर, जबलपुर, भोपाल चला जाए, किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं है जब मेरे आदमी को दतिया विधानसभा के आदमी को परेशान है। बाने ने कह दिया कि दतिया का हूं तो इतने में ही काम चल जाता है, वो समझ जाते हैं कि खेल बिगड़ जाए।